हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास ट्वेल्थ शॉर्ट स्टोरी का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड एक खोए हुए बच्चे की कहानी है जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। इस कहानी को मुल्कराज आनंद ने लिखा है और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ होता है तो वो हर छोटी से छोटी चीज के लिए कभी नाराज भी होता है और कभी खुश भी होता है, लेकिन अपने माँ बाप के खोने के बाद वह सिर्फ हर चीज को प्राप्त करके दुखी ही होता है, चाहे उसकी कितनी भी प्रिय वस्तु उसको मिल जाए। चलिए अब इस चैप्टर की समरी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक बसंत के मौसम से। बसंत का मौसम चल रहा है और बसंत के मौसम की जब शुरुआत होती है तो गांव में एक मेला लगा हुआ है बसंत के उत्सव को मनाने के लिए। अब एक बच्चा है अपने माँ बाप के साथ में मेले को देखने के लिए जा रहा है और उस रास्ते में उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पगडंडी है, जंगल है, बाग है, खेत है, ये सभी चीज सड़क पर दौड़ता हुआ वह कच्ची सड़क है जा रहा है। उसके साथ बहुत सारे लोग गांव से भी मेला देखने के लिए बाहर दूसरे गांव में लगा हुआ है क्योंकि वहां से वो जा रहे हैं। सभी लोगों ने, क्योंकि बसंत का मौसम है, पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, पीले रंग का साफा बांधा हुआ है, मतलब जितना भी पहना हुआ है सभी ने बसंती कलर यानी कि येलो कलर जो होता है उसको पहना हुआ है। इसी तरीके से बच्चे ने भी पहना हुआ है। खुश होता हुआ बच्चा माँ बाप के साथ जा रहा है, तभी एक बराबर में सड़क के किनारे पर एक बाग पड़ता है। बच्चा वहां दौड़ता हुआ चला जाता है। वहां कुछ भंवरे होते हैं जो गुनगुन गुनगुन कर रहे होते हैं, तो एक तितली भी आ जाती है ब्लैक कलर की, उसके पीछे भंवरे जो है वो दौड़ने लगते हैं। तो वह बच्चा बड़ा खुश होता है उन सबको देखकर, वहां के फूल पौधों को देखकर बड़ा खुश होता है, उनके पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन माँ बाप उसे फिर से बुला लेते हैं। माँ बाप की लैंग्वेज क्या होती है, कम चाइल्ड कम। बच्चा बेचारा फिर से आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर उसे एक खिलौनों की दुकान मिलती है और जिस पर की खिलौनों की दुकान पर वही बच्चों वाले सारे खिलौने मौजूद होते हैं। बच्चा खिलौनों को देखता है, आकर्षित होता है और चाहता है कि वो खिलौनों को ले ले, लेकिन माँ बाप की निगाहों को देखकर वापस चल देता है। बच्चे को बुला लिया जाता है माँ बाप के द्वारा, कम चाहे कम। बच्चा बेचारा फिर से दुखी होकर आगे चल देता है। वो जानते हैं कि उसके माँ बाप उसको ऐसी कोई वस्तु नहीं दिलवाएंगे। आगे चलता है, खुश होता है, फिर से चल देता है आगे। और उसके बाद आगे चलकर उसे फिर से साइड में बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे पाकर है, नीम है, मैंगोज वगैरह, इन सबके बरगद हैं, इन सबके पेड़ उसे मिलते हैं। उनसे फिर वो खेलना शुरू कर देता है, लेकिन माँ बाप के द्वारा उसे फिर से बुला लिया जाता है। बेचारा फिर से चल देता है माँ बाप के साथ में। आगे चलकर एक मिठाई की दुकान मिलती है, मेला मेन मेला आ जाता है, मिठाई की दुकान मिलती है। मिठाई की दुकान पर जो मिठाई वाला है वो चिल्ला रहा है कि रसगुल्ला ले लो, जलेबी ले लो, बर्फी ले लो, ये सब वो चिल्ला रहा है। पानी तो नहीं आ रहा मुंह में सुनते सुनते। तो लड़का जो है, लड़के के मुंह में तो पानी आ गया था कि रसगुल्ला ले लो, जलेबी ले लो। उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा, लेकिन वह समझ गया कि माँ बाप तो उसे दिलवाएंगे नहीं, उसे कह देंगे तू बड़ा लालची हो गया है, तू बड़ा चटोरा हो गया है। तो वे सोच के फिर से चुपचाप से आगे चल देता है। आगे चलता है तो आगे फिर से एक बैलून्स वाला उसे मिलता है। बैलून्स जो होते हैं उस पर रंग बिरंगे होते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, खूब सारे सुंदर सुंदर उस पर गुब्बारे होते हैं। वहां वह खड़ा हो जाता है कि शायद उसके माँ बाप उसे वही दिलवा देंगे, लेकिन वह जानता है कि उसके माँ बाप उसे बैलून्स भी नहीं दिलवाएंगे और कह देंगे कि तू इन खिलौनों से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया है, चल आगे चल। और फिर से माँ बाप के द्वारा उसे कम चाइल्ड कम करके बुला लिया जाता है। बच्चा बेचारा क्या करता, निगाह नीची करके फिर से आगे चल देता है। आगे चलकर उसे एक सपेरा मिलता है। सपेरा जानते हो ना, जो बीन बजाकर सांप को नचाते हैं। तो
वहां वह सुनता है कि वह बीनी सुन ले, तो बीन उसे मालूम है कि उसके माता पिता उसे बीन भी नहीं सुनने देंगे, तो और उससे माँ बाप कहेंगे कि ये आवाज कानों के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तो आगे चल। फिर बच्चा बेचारा आगे की तरफ चल देता है। आगे चलकर क्या देखता है, एक फूल वाला टोकरा है उसके पास। फूल वाला बोल रहा है, चिल्ला रहा है, ले लो गुलमोहर, ले लो ये, ले लो वो, ले लो, मतलब इस तरीके के वो फूलों के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन बच्चा जानता है उसके माँ बाप उसे फूल भी नहीं दिलवाएंगे, वो कह देंगे कि फूल की खुशबू तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम आगे चलो। बच्चा फिर से बेचारा आगे चल देता है। इस तरीके से उसे जो भी दुकान मिलती है वहां खड़ा होता है, वो चाहता है कि माँ बाप उसे वो चीज दिलवा दे, लेकिन उसे तो मालूम है कि माँ बाप उसके नहीं दिलवाएंगे, उनकी लाल आंखें देखकर। और बच्चा आगे की तरफ चल देता था। आगे चलकर उसे एक झूला वाला मिलता है, चरक, जिसमें कि आप सभी लोग झूलते होंगे, जब भी मेला जाते होंगे तो कभी होता ही नहीं होगा कि आप कभी छोड़ दें कि आप झूला न झूलें। बच्चे का भी यही हाल था, बच्चा खड़ा हो गया और झूले को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चक्कर जब चल रहे थे तो उसको वो देख रहा था। और उसने अंदर ही अंदर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि नहीं, आज तो मुझे अब तो अपने माँ बाप से कहना ही है कि मुझे झूले को झूलना है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा कि अपने माँ बाप से कहने के लिए मुझे झूला झूलना है, पीछे क्या देखता है, उसे अपने माँ बाप दिखाई नहीं देते हैं। मीन्स भीड़ में उसके माँ बाप कहीं बिछुड़ गए हैं। अब वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे माँ बाप नहीं मिलते हैं। अब बच्चा रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, और उसका जो पीला साफा है वो भी खुल जाता है। आंसुओं से उसके जहां जहां आंसू गिरते हैं वहां वहां मिट्टी भी लग जाती है कपड़ों पर, और कपड़े भी उसके बहुत गंदे हो जाते हैं। और माँ बाप के लिए वो बहुत चिल्लाता है, और आगे चलता चलता वह मंदिर की तरफ पहुंच जाता है। जब मंदिर की तरफ पहुंचता है तो मंदिर में क्या है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, और बच्चा बेचारा छोटा है, और बच्चा जो है वो लोगों की भीड़ में दबने ही वाला था। तभी वो बहुत तेजी से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तभी एक आदमी की निगाह उस पर पड़ी, और आदमी ने क्या किया, उस बच्चे को गोद में उठा लिया। अब जब बच्चे को गोद में उठा लिया उस आदमी ने, और आदमी ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, जब इस प्रकार की उसे सांत्वना मिली बच्चे को, तो बच्चा और तेजी से रोने लगा। और वो रोते रोते वो एक ही शब्द बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब क्या था, अब बेचारा जो आदमी था वो चाह रहा था कि बच्चा कैसे भी शांत हो जाए, तो उसने क्या किया, उन्हीं सभी वस्तुओं के पास ले गया जहां कि अपने माता पिता के होने के साथ वह उन चीजों को खरीदना चाहता था। सबसे पहले वो झूले के पास ले गया और बच्चे से बोला, क्या तुम झूला झूलोगे, तो बच्चे ने कहा नो, ओनली आई वॉन्ट माई मदर, ओनली आई वॉन्ट माई फादर, मैं झूला नहीं झूलूंगा, मुझे क्या चाहिए, केवल मेरे माता पिता चाहिए। फिर वो फूल वाले के पास ले गया, बीन वाले के पास ले गया, मिठाई वाले के पास ले गया, खिलौनों के पास ले गया, लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं बहला, और बच्चा केवल एक ही बात चिल्लाता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ये एक बच्चे की साइकोलॉजी थी। यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। साइकोलॉजी क्या थी कि जिस समय वो माँ बाप के साथ था तो उसे लग रहा था कि माँ बाप उसके बहुत बुरे हैं, माँ बाप उसे कोई भी चीज नहीं दिलवाएंगे, लेकिन उसे फिर भी सभी वस्तुओं में एक खुशी नजर आ रही थी। लेकिन जब माँ बाप उसके खो गए, उसके पास माँ बाप नहीं थे, तो बे ही सभी वस्तुएं जो उसे एक टाइम खुशी दे रही थी अब उसे खुशी नहीं दे रही हैं। तो ये लॉन्ग आंसर में आपके आता है इस तरीके का क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं आपके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्वेश्चन आंसर डाल देंगे, उसको आप तैयार कर लेना। तो ये रही आपकी स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, बाय। और हाँ, अगर आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप चैप्टर को लाइक जरूर करिए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास अपने आप से वीडियो नहीं पहुंचेगी।
नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास हमारी कोई भी नई लिंक के लिए तुरंत पहुंचे। चैनल और वीडियो जितने भी हैं उनको आप शेयर भी किया करिए, जिससे कि आप जैसे दूसरे बच्चों का भी फायदा होता रहे। थैंक यू, बाय।